धर्मशाला से ही कल पीएम मोदी भी धर्मशाला आएंगे, 10 बजे वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दो दिन धर्मशाला में रुकेंगे और इससे पहले 31 मई को वो शिमला आए थे। तो पीएम मोदी धर्मशाला आएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज राष्ट्रीय सम्मेलन मुख्य सचिवों का शुरू हो रहा है, कल पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, कल से मुख्य सचिव पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कितने सचिव पहुंचेंगे पहला सवाल ये, और दूसरा पीएम मोदी के दौरे को लेकर अपडेट। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब ये दौरा जो है वो धर्मशाला में है, और ऐसे में सभी नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो आज शाम को ही पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो राज्यपाल है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में अनुराग ठाकुर समेत कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और मंथन चिंतन इस बात को लेकर जरूर होगा कि आगामी 25 सालों के लिए देश का क्या भविष्य रहने वाला है, किस तरह से देश जो है वो आगे बढ़ने वाला है, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ रही हैं। और इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब एक महीने के अंतराल के भीतर ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा है, और इसमें साफ तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से 25 साल के लिए एक विजन जो है वो रखा जाएगा, सभी मुख्य सचिव जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और प्रदेश सरकार जो है इस बाबत पहले से ही तैयारियां कर रही है, बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर यही है कि हिमाचल प्रदेश में जब जब प्रधानमंत्री का दौरा रहा है तब तब जो है पूरी तरह से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम जो भाजपा के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नया जोश, नई उमंग भरते हैं, और ऐसे में 2047 का जो ये 47 तक का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जो है वो आयोजित यहाँ पर की जा रही है, इसके लिए आज से ही ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएंगी। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो अगले कल यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसके लिए अच्छी खासी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता धर्मशाला से भी हमारे साथ फिलहाल इस वक्त जुड़े हुए हैं सौरभ अटवाल, उनसे अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर का कि आज कैसे कैसे तैयारी रहने वाली है, कब से शुरू होगा ये सम्मेलन। सौरभ, आज की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और कितने मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा सवाल ये भी है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है? बिल्कुल महिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो है जिला प्रशासन ने जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाकचौबंद कर दी है। धर्मशाला के चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, और इसी के साथ जो एसपीसी है उसने भी अब धर्मशाला में जो है मोर्चा संभाल लिया। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 बजे के करीब जो है वो धर्मशाला में पहुंचेंगे, और इसके उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक रोड शो का आयोजन करने किया जाएगा उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जो मुख्य रूप से जो है शिरकत करेंगे। वहीं अगर बात रोड शो की जाए तो रोड शो में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा, तो इसमें एक अहम बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि संस्कृति जो रहते हैं यहाँ जो निर्वाचन में रहते हैं वो भी अपनी जो संस्कृति है उससे भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है रूबरू करवाएंगे। जी महिमा जी, ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, बात अगर की जाए पीएम मोदी के दौरे को लेकर तो लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता आया है कि शिमला में आए कुछ नहीं दिया और लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, उस तरह से अब धर्मशाला के इस दौरे को लेकर भी लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और ऐसे में विपक्ष जो है वो कोई भी मौका यहाँ पर खोना नहीं चाहता, और ऐसे में लगातार बयानबाजी जो है विपक्ष की तरफ से सामने आती है। देखिए महिमा, आज के सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो 28 प्रदेशों के और जो 8 केंद्र शासित जो राज्य हैं, इन तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुल 36 मुख्य सचिवों के यहाँ पर पहुंचने की सूचना जो है वो मिल चुकी है, और ऐसे में नीति आयोग के लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसके साथ साथ जो है देश के 107 ऐसे अति वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है 206 अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनमें सीनियर आईएएस है, वरिष्ठ अधिकारी है और इसके साथ साथ मुख्य सचिव है।
कुल मिलाकर 2047 के विजन को तैयारी करने के लिए किस तरह से रोड मैप जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। और एक बात बहुत अहम है महिमा, प्रधानमंत्री के अगर पूर्व के दौरों को अगर हम देखें जो भारत के भीतर ही रहते हैं, प्रधानमंत्री कभी भी 45 या 50 मिनट से ज्यादा कभी किसी कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज नहीं करते। ऐसे में ये पहली मर्तबा होगा कि जब दिल्ली से बाहर एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है जो कि मुख्य सचिवों की है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दो दिन तक लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, धर्मशाला में रहेंगे जी। और दो दिनों के अंदर एक उनका रोड शो होने वाला है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल में रोड शो जो है वो यहाँ पर होगा और धर्मशाला में रोड शो होगा। इस रोड शो के बारे में आपसे फिर से जानकारी लेंगे। फिलहाल आप भी हमारे साथ बने रहिए, सौरभ अटवाल आप भी हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई अपने तमाम दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है जो कि धर्मशाला से ही सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के धर्मशाला के प्रस्तावित प्रवास के दौरान दरअसल रोड शो के माध्यम से भव्य स्वागत किया जाएगा, इसके लिए आम जनमानस भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बात कल विपिन सिंह परमार की तरफ से कही गई, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, देखिए उनके साथ किशन कपूर भी है, वो खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। देखिए उनके साथ विधायक विशाल नेहरिया भी मौजूद रहे, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर भी, और आपको सुनाते इस दौरान विपिन सिंह परमार ने क्या कहा। पूरा धर्मशाला भगवामयी और भाजपामयी हो गया है और जिला कांगड़ा धर्मशाला अपने प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और 16 तारीख को सुबह 10 बजे अपार जनसमूह रोड शो के रूप में इसी रास्ते से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं ये मैं कह सकता हूँ। तो आपने सुना विपिन सिंह परमार की तरफ से क्या कहा गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अविनाश राय खन्ना बीजेपी प्रभारी जुड़ चुके हैं। अविनाश राय खन्ना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत जी। आज क्योंकि मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, 3 दिन तक चलेगा, कल की बात की जाए अविनाश राय खन्ना जी तो पीएम मोदी आ रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है, कितना बल मिलने वाला है सरकार संगठन को उनके आने से। पहली बात तो ये एक सरकारी कार्यक्रम है, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है जी, और मुझे ये खुशी है कि वो मीटिंग हिमाचल में रखी गई है जी, चाहे वो सरकारी है लेकिन पीएम साहब का आना एक इंडिकेशन है कि वो पंजाब हिमाचल से कितना प्यार करते हैं। दूसरी बात जो उनके स्वागत को लेकर कार्यकर्ता में उत्साह है जी, वो मैं समझ रहा हूँ कि अपने आप में ये आपको देखने का मौका मिलेगा। जैसे आपने धर्मशाला में देखा के मोदी जी अपना गाड़ी से उतरकर उन सभी कार्यकर्ताओं को मिलके निकले और उन्होंने एक से अपनी माता जी की फोटो भी रिसीव की, तो कितना बड़ा उत्साह था उस समय जो लोग सड़कों पे खड़े उनको रिसीव कर रहे थे, उससे ज्यादा उत्साह जो रैली में लोग आए थे उनमें था। वो भी एक सरकारी कार्यक्रम था लेकिन उसमें उसके कारण मोदी जी के आने के कारण पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, बहुत बड़ा मनोबल हमारा बढ़ा, तो यहाँ पर धर्मशाला में भी उनका लोग रोड शो जो होगा वो रास्ते में स्वागत करेंगे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो नहीं है लेकिन उनका हिमाचल में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो कितना हिमाचल को प्यार करते हैं, कितना हिमाचल का ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास आपका अविनाश राय खन्ना से अगर कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। विकास बिल्कुल, अविनाश राय जी मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपका मुकाबला होता था, अब बीएसपी कह रही है कि वो भी यहाँ पर आएगी और इस बार 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ने की बात करे, कितना फर्क जो है वो इस बार यहाँ चुनावों में आप देख रहे हैं, भाजपा किस तरह से तैयारियां कर रही है, हम देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व लगातार जो है वो हिमाचल का दौरा कर रहा है, पूरी तरह से फोकस जो है वो हिमाचल को रखे हुए है, कितनी उम्मीद है आपको सरकार की रिपीट करने की, यहाँ पर कितनी सीटें आने का अनुमान है। देखिए रिपीट डेफिनेट करेंगे जी, कंफर्टेबल मेजोरिटी से करेंगे, आगे से ज्यादा सीटें लेंगे, जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है ट्रेडिशनली हिमाचल प्रदेश ने हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला देखा है, लेकिन जब जब कोई नई पार्टी उभरी है चाहे वो सुखराम जी की थी चाहे मेश्वर सिंह जी थी,
उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं रहा। हिमाचल के लोग बड़े समझदार हैं, सियाने हैं, वो उसी पार्टी को वोट करते हैं जो पार्टी जो है वो उसका काम किया है और सत्ता में आने वाली है। दूसरा, केंद्र में जिस ढंग से सरकार हिमाचल का पूरा ख्याल रखती है, इस बात का लोगों को भी ध्यान रहेगा कि वही सरकार लाई जाए जो केंद्र के पक्ष की सरकार है, ताकि उनको कोई विकास में कोई कमी महसूस ना हो। और जैसे आज डबल इंजन की सरकार हम बार बार यूज कर रहे हैं शब्द, वो बात को जनता के मन में रजिस्टर जो है वो हो चुका है। कल आपने देखा एक ही लोकसभा की त्रिदेव बूथ जो की है उसका एक सम्मेलन, और जितने लोगों को हमने बुलाया था शत प्रतिशत लोग उसमें आए। और जो आपने रावत जी का भाषण सुना, सीएम साहब का भाषण सुना, आपने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, कहीं भी निराशा नहीं थी। बड़े लोग इतनी गर्मी में उत्साह से बैठे थे। मैं समझता हूँ यही हमारा स्ट्रांग पॉइंट है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, सरकार और संगठन का तालमेल बहुत अच्छा है। जब ये तालमेल अच्छा होता है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चुनाव जीतने में मुश्किल नहीं आती। सरकार ने काम किए हैं, पार्टी उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इन सम्मेलनों से एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दो सम्मेलन और होने वाले हैं, जो दो लोकसभा हमीरपुर और शिमला की रह गई हैं, वो सम्मेलन भी जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, अविनाश राय खन्ना जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है, विकास एक सवाल मेरा भी है अविनाश राय खन्ना जी, विपक्ष की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले जब शिमला आए थे पीएम मोदी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है आवभगत के लिए, पीएम मोदी के लिए। देखिए ऐसा है, जब प्रोग्राम ही सरकारी है तो वो सरकार ने ही उसको मैनेज करना है जी। लेकिन दुरुपयोग, एक कोई एग्जांपल दे ना कि यहाँ पर मिसयूज हुआ है, बिना एक शब्द रटा रटाया शब्द है, वो शब्द को वो यूज कर लेते हैं, एक दिन प्रेस में आ जाता है, आप लोग भी शाप देते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, सुनवा भी देते हैं, वो बताए तो सही कौन सा हमने मिसयूज किया है, सिर्फ कहने से मिसयूज हो जाता है। लेकिन जो कुछ हमें देखे गए हैं, देखिए एक पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जितना बड़ा कार्यक्रम, देश का कार्यक्रम वहां पर हुआ, केंद्रीय सरकार के 8 वर्षों का कार्यक्रम, देश भर का कार्यक्रम शिमला में हुआ, ये छोटी बात है क्या? अविनाश जी एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनता भी ये जानना चाहती है, ये जो रोड शो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचेंगे, क्या इसका स्वरूप रहने वाला है, कहां से कहां तक होगा, कौन कौन बड़े नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, किस तरह का स्वरूप रहने वाला है इस रोड शो का? स्वरूप तो वही है कि उनके पास जितना समय है उस समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने आप आएंगे, अपने बल पे आएंगे, और जितना समय वो हमें देंगे उस समय का हम सदुपयोग करेंगे। कारण क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री जब एक राज्य में आ रहे हैं तो उस राज्य का फर्ज बनता है कि उनका स्वागत अपने ढंग से करें। वो स्वागत कार्यकर्ता जब वो जहां से निकलेंगे उनको उनके दर्शन करके उनका जो हाथ हिलाना ही जो है वो एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर जाएगा। और जो कांगड़ा के सीएम साहब भी वहां पर होंगे और कुछ और नेता भी वहां पर होंगे। करने के लिए विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही सौरभ भटवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसके बाद आपको फिलहाल पॉइंटर्स के जरिए हम बताएंगे कि क्या प्लान रहने वाला है, किस तरह से कहां कहां के रोड बंद रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और पॉइंटर्स के जरिए फिलहाल हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए किस तरह से व्यवस्था रहने वाली है। बीए चौक क्रिकेट मार्ग बंद रहेगा, पठानकोट से आने वाले वाहनों का रूट भी डायवर्ट किया जाएगा, साथ ही शाहपुर की तरफ पठानकोट वाले वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। तो ये प्लान है, पालमपुर वालों को चरान खड़ा चौक के लिए ले जाया जाएगा, घरों से आने वाले यातायात को गांधी चौक पर रोका जाएगा। तो रोड फिलहाल ये बंद रहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर आने जाने वाले पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है।